चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेट्स का आपका चैप्टर नंबर 1। स्टेट्स में सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 आपका है वो डिस्कस करता है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल चैप्टर है जहाँ पे आपका 5 to 7 तो मार्क्स का क्वेश्चन तो आना ही आना है। मिनिमम 5 to 8 मार्क्स, 10 मार्क्स के भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हुए हैं। तो इस चैप्टर के थ्योरीज को अच्छे से करना। चैप्टर इजी है, स्कोर करना पेपर में इजी है अगर आप इसको अच्छे से करो। मैं यहाँ पे जो आपको नोट्स शेयर करने वाला हूँ, बिल्कुल जहां से मैं पढ़ा रहा हूँ मार्क्स ओरिएंटेड है। ये नोट्स डायरेक्टली मैंने आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस और आपका स्टडी मटेरियल का कंटेंट, ये तीनों को ध्यान में रखते हुए ही ड्राफ्ट यहाँ पे किया है मैंने। सबसे फर्स्ट देखो यहाँ पे आता है ओरिजिन। स्टेटिस्टिक्स का जो ओरिजिन हुआ था वो 4 वर्ड से हुआ था। पहला लैटिन वर्ड में इसको स्टेटस बोला गया, इटालियन वर्ड में इसको स्टेटिस्टा बोला गया, जर्मन वर्ड में इसको स्टेटिस्टिक बोला गया। स्टेटिस्टिक वहीं से आया, मतलब वहां पे के बोलो या सी बोलो ये आपका जर्मन वर्ड है। फ्रेंच में इसको स्टेटिस्टिक क्यों बोला गया, स्टेटिस्टिक क्यों, ठीक है। तो लैटिन में स्टेटस, इटालियन में स्टेटिस्टिका, उसके बाद स्टेटिस्टा, जर्मन में आपका क्या बोला गया स्टेटिस्टिक, और फ्रेंच में आपका स्टेटिस्टिक क्यों, ठीक है। स्टेटिस्टिक्स का आता है अगर मीनिंग में बताऊं, इसका ड्यूअल मीनिंग है, सिंगुलर मीनिंग है, एक प्लूरल मीनिंग है। प्लूरल मीनिंग जो है वो बेसिकली क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, मतलब जो आप अभी पढ़ने जा रहे हो क्वांटिटेटिव में अगर बात की जा रही है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने कितना नंबर ऑफ मार्क्स लाया, ठीक है, कितने पॉपुलेशन में कितनी एज है, ये जो क्वांटिटेटिव फिगर बता रहा है तो ये क्या है, प्लूरल सेंस में पढ़ाया जा रहा है। अगर स्टेटिस्टिक्स में सिंगुलर सेंस में बात करूं तो यहाँ पे क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन की बात की जाती है। तो सिंगुलर सेंस क्वालिटेटिव, प्लूरल सेंस क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव का मतलब होता है एट्रीब्यूट को टारगेट करना, क्वालिटेटिव का मतलब होता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब किसी का जो क्वालिटी क्या है, किसी की क्वालिटी क्या है, उसकी गुडनेस क्या है, उसकी बैडनेस क्या है, ये सब क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है। तो सिंगुलर सेंस में स्टेटिस्टिक्स क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन की बात करता है, जहां पे उसका मतलब वो एट्रीब्यूट की बात कर रहा है, और प्लूरल सेंस में क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन की बात करता है। स्टेटिस्टिक्स हर जगह अप्लाइड होता है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो कॉमर्स इंडस्ट्री हो, या बिजनेस मैनेजमेंट हो, हर जगह स्टेटिस्टिक्स का एप्लीकेशन लगता ही लगता है। अब अगर हम लोग बात करें तो डेटा 2 टाइप के होते हैं। डेटा बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ये नेचर के बेसिस पे डेटा 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब क्वालिटेटिव, और एक होता है आपका वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब जिसको क्वांटिफाई किया जा सकता है। एट्रीब्यूट का मतलब अभी अभी आपने देखा किसी की रिलीजन हो गया, किसी की नेशनलिटी हो गया, ये सब क्या है, एट्रीब्यूट है। तो डेटा 2 टाइप के है, एक एट्रीब्यूट आपका, एक वेरिएबल। एट्रीब्यूट का मतलब किसी का रिलीजन हो गया, किसी की नेशनलिटी हो गई, ये सब एट्रीब्यूट है। अगर मैं यहीं पे ऑन द सेम हैंड वेरिएबल की बात करूं, तो वेरिएबल का मतलब जैसे किसी की एज हो गई, किसी का वेट हो गया, ये सब 50 kg, 20 साल, ये सब क्या है, आपका वेरिएबल है। वेरिएबल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्टिन्यूअस, एक होता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट को डिसकॉन्टिन्यूअस भी आप बोल सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब किसी की वेट जानना हो, किसी का हाइट जानना हो, तो ये कॉन्टिन्यूअस है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। और एक है डिसकॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यू नहीं करेंगे, एक बार होगा कंप्लीट, अगले बार दूसरा कुछ होगा। ये जैसे किसी का मार्क्स ऑब्टेंड आपको जानना है, तो ये क्या हो गया, डिस्क्रीट सीरीज या तो डिसकॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो डेटा 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका एट्रीब्यूट, एक होता है आपका वेरिएबल। एट्रीब्यूट का मतलब किसी का क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, जैसे कि किसी का रिलीजन, किसी की नेशनलिटी। एंड वेरिएबल का मतलब, वेरिएबल में 2 टाइप, एक कॉन्टिन्यूअस, एक डिस्क्रीट। कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट दोनों ही वेरिएबल के पार्ट हैं। कॉन्टिन्यूअस जो कंटिन्यू चलता रहे, जैसे कि किसी का एज, किसी की हाइट, किसी का वेट। और अगर डिसकॉन्टिन्यूअस बोलो, डिस्क्रीट बोलो, तो कितना मार्क्स आपने ऑब्टेंड किया, ठीक है। अगर मैं बताऊं कलेक्शन के बेसिस पे, कलेक्शन के बेसिस पे आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा 11th क्लास में, जहां पे कलेक्शन के बेसिस पे डेटा को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा का मतलब जब आप पहली बार उस जगह पे जाकर कलेक्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं प्राइमरी डेटा। जैसे कि कहीं पे रेल एक्सीडेंट हुआ और न्यूज रिपोर्टर ने डायरेक्टली जाकर उस पिक्चर को कलेक्ट किया, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया। कहीं पे कुछ और हादसा हुआ, कहीं पे लोगों की गैदरिंग हुई, वहां जाकर एनालिसिस किया गया कि कितने लोग वहां पे प्रेजेंट थे। मतलब जब आप अपने लिए खुद जाकर डेटा कलेक्ट करते हो, दैट इज अ प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा का मतलब ऑलरेडी किसी की पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन को, गवर्नमेंट की एजेंसी जो होती है, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन होता है,
पॉपुलेशन की काउंटिंग करते हैं आप उस डेटा के बेसिस पे, अभी आपका पॉपुलेशन कितना इंडिया का, लेट से 131 crore 135 crore, आप कहां से बोल रहे हैं ये? आपने गूगल पे ऑलरेडी पब्लिश्ड डेटा देखा है, तो जो ऑलरेडी पब्लिश्ड डेटा है अगर आप उसको यूज कर रहे हैं, जो कलेक्ट किसी और ने कर रखा है दैट इज सेकेंडरी डेटा, और अगर आप खुद कलेक्ट कर रहे हैं दैट इज प्राइमरी डेटा। द डेटा विच इज कलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, जो किसी पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाए, ठीक है, तो उसे बोला जाता है, जहां पे आप डायरेक्टली फील्ड से जाकर कलेक्ट करते हैं दैट इज प्राइमरी डेटा। एंड समटाइम द डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्स, ठीक है, किसी और सोर्स से, तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी डेटा, ठीक है। उसके बाद आती है बात कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। अब क्वेश्चन आता है कि सर प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के क्या कोई मेथड, कैसे मैं जाकर उस इवेंट को कलेक्ट कर सकता हूं? तो इसके चार मेथड होते हैं जिसको आप याद रखने वाले हैं, IMOQ, ठीक है, IMOQ, आई फॉर इंटरव्यू मेथड प्राइमरी डेटा में, M फॉर मेल्ड क्वेश्चनआर मेथड, O फॉर ऑब्जर्वेशन मेथड, एंड Q फॉर क्वेश्चनआर फील्ड एंड एन्यूमरेटेड मेथड, ठीक है, एन्यूमरेटर्स होते हैं। इंटरव्यू मेथड का मतलब आप डायरेक्टली जाकर वहां के लोगों से इंटरव्यू ले रहे हैं, पहली बार। मेड क्वेश्चनआर का मतलब एक डिटेल्ड क्वेश्चन आपने सेट कर दिया है कि मुझे वहां के बारे में क्या क्या जानना है। ऑब्जर्वेशन का मतलब आप सिचुएशन को ऑब्जर्व करके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चनआर फील्ड एंड, इसमें और भी है, क्वेश्चनआर फील्ड एंड एन्यूमरेटेड बाय एन्यूमरेटर्स, आपके बहुत सारे लोग हैं जो क्वेश्चनआर के हिसाब से और उसको पूछते हैं और फिर लिखते हैं, आपने मेल नहीं भेजा है, एक अपने पास आपने डेटा तैयार किया है और बहुत सारे आपने लोगों को, एक डेटा एंट्री वालों को लगा रखा है काम पे, बोला कि आप कॉल करते जाओ और सामने वाले से पूछो, बताओ भाई साहब आपके स्कूल में कितने नंबर आए थे, आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं। ये हो गया क्वेश्चनर फील्ड एंड एन्यूमरेटेड मेथड, एक क्वेश्चन की लिस्ट बना लो और एन्यूमरेटर को बोलो कि तुम सबसे पूछो, ठीक है। इंटरव्यू मेथड में, फर्दर इंटरव्यू मेथड में तीन पार्ट आते हैं, एक होता है पर्सनल इंटरव्यू, एक होता है इनडायरेक्ट इंटरव्यू, एक होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू जैसे कि नेचुरल कैलामिटी के केस में यूज किया जाता है, लेट से, अच्छा आपके पेपर में MCQs में ये भी आते हैं कि नेचुरल कैलामिटी में कौन से मेथड को सुटेबल बोला जाता है, तो मैंने एग्जांपल कुछ ऐसा ही लिया। नेचुरल कैलामिटी का मतलब कहीं पे आग लग गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, ठीक है, ऐसी चीजों को जाकर अगर हम लोग खुद कलेक्ट कर रहे, एक न्यूज रिपोर्टर गया और वहां की नेचुरल कैलामिटी को खुद जाकर कलेक्ट किया, तो वो उसे बोला जाता है पर्सनल इंटरव्यू मेथड, वहां के लोगों को जाकर इंटरव्यू लिया। मान लो अगर कहीं रेल एक्सीडेंट हो गया, अब रेल एक्सीडेंट होने के बाद बेचारा जो हॉस्पिटल में पड़ा है उससे हम नहीं ले सकते इंटरव्यू, तो वो इनडायरेक्ट है, और भी जो उस हादसे के शिकार हुए हैं जिससे पूछा जा सकता है, जो प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है, मान लो कुछ आदमी है जिसका, मान लो किसी उसमें से 50 आदमी थे, लेट से 30 आदमी का डेथ हो गया, तो 20 लोगों से उस घटना की जानकारी ले रहा है जिसकी, जो मरा था उसके बारे में, तो ये हो गया इनडायरेक्ट मेथड। टेलीफोनिक मेथड, टेलीफोनिक मेथड को सबसे क्विकेस्ट मेथड बोला जाता है, कॉल पे आप सारी इंफॉर्मेशन जानकारी ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आपको क्या बताया, देखो ध्यान रखने वाली बात, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, IMOQ, आई फॉर इंटरव्यू मेथड, एम फॉर मेल्ड क्वेश्चनआर मेथड, जहां पे आप मेल टाइप करते हैं और भेज देते हैं, वो रिस्पांस दे या ना दे पता नहीं, मतलब यहाँ रिस्पांस बहुत कम मिलेगा। ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्व कर रहे हो सिचुएशन को। क्वेश्चनआर फील्ड एंड एन्यूमरेटेड मेथड में आप एक क्वेश्चन की लिस्ट बना रहे हो, बहुत सारे लोगों को काम पे रखा है, वो फोन कर करके लोगों को पूछते जा रहे हैं। इंटरव्यू मेथड को पर्सनल तीन पार्ट में बांटा गया, अगर नेचुरल कैलामिटी हुआ और जाकर हमने खुद उस सिचुएशन को रिकॉर्ड किया दैट इज पर्सनल इंटरव्यू, अगर मैंने इनडायरेक्टली और भी जो उस सिचुएशन से अफेक्टेड लोग हैं उनका इंटरव्यू लिया, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, और अगर आपने टेलीफोनिक डिस्कशन करके इंटरव्यू लिया दैट इज टेलीफोनिक इंटरव्यू। मेल्ड, अच्छा सबसे क्विक कौन सा होता है, टेलीफोनिक, सबसे क्विक कौन सा होता है, टेलीफोनिक क्वेश्चन आएगा। मेल्ड क्वेश्चनआर जो है आपने मेल टाइप करके और भेज दिया, ये वाइडेस्ट एरिया कवर करता है, ऑब्वियसली जो भी पूछना चाहते हो सब मेल में लिख दो, सबसे ज्यादा वाइडेस्ट एरिया कौन सा मेथड कवर करता है, दैट इज सिंपल मेल्ड क्वेश्चनआर मेथड, लेकिन इसमें नॉन रिस्पॉन्सिव नेचर का है, बहुत कम रिस्पॉन्स आपका आएगा, ठीक है। आपको इसको प्रॉपर वेल ड्राफ्ट करना है, मतलब सामने वाले को समझ आना चाहिए, सिक्वेंशियल ऑर्डर में ड्राफ्ट करना, ठीक है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ड्राफ्ट करना, इजी अंडरस्टैंडेबल हो ऐसा ड्राफ्ट करना, सिंपल लैंग्वेज का यूज करना। अब आता है कि सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा में तो चलो ये सारे मेथड थे आपको इसके बारे में बता दिया, इतना ध्यान रखना है प्राइमरी डेटा में। अगर मैं सेकेंडरी डेटा पे आता हूं तो कौन कौन सी एजेंसीज का डेटा यूज कर सकते हो, तो देखो आप इंटरनेशनल सोर्सेस का यूज कर सकते हो, गवर्नमेंट सोर्सेस का यूज कर सकते हो और नेशनल सोर्सेस को यूज कर सकते हो।
जैसे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से हेल्थ रिलेटेड डेटा, IMF से, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से, वर्ल्ड बैंक का डेटा, CSO ठीक है, सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ICAR की रिपोर्ट, NCERT का रिपोर्ट, ये सब की रिपोर्ट पे आप भरोसा कर सकते हो, इसे बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। अच्छा अब कुछ छोटी छोटी सी बातें, आपने यहाँ पे पढ़ लिया प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में एक एक बातें जो मैंने बताया, इस लेक्चर को दो बार कम से कम आपने देखना है ठीक है, बार बार इसको दो से तीन बार जब भी आपको कंफ्यूजन हो देख लो, आपके दिमाग में याद रहेगा, तुरंत करो लेक्चर और जाकर MCQ अटेम्प्ट करो, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप इजिली MCQ टिक कर पाएंगे, 100.1% गारंटी दे रहा हूँ, बिलीव मी ठीक है। ये नोट्स जो तैयार किया गया है वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वे में है। अब आ जाओ इंटरनल कंसिस्टेंसी। अच्छा इंटरनल कंसिस्टेंसी कब पॉसिबल है, इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब कि अगर उस डेटा में दो से तीन वेरिएबल हैं तो दोनों तीनों को अगर रिलेटिव हो, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है, दूसरा तीसरे से रिलेटेड है, तो तीनों डेटा के बीच इंटरनल कंसिस्टेंसी होगी, ए सही है तो बी भी सही होगा, बी सही है तो सी भी सही होगा, तो ये इंटरनल कंसिस्टेंसी तभी पॉसिबल है जब वो रिलेटेड डेटा हो, इंटरनल कंसिस्टेंसी तभी पॉसिबल है जब वो रिलेटेड डेटा हो ठीक है। स्क्रूटनी, किसी भी डेटा को स्क्रूटनी कर क्यों किया जाता है, तो मान लो जितना ज्यादा स्क्रूटनी करेंगे, जितना ज्यादा चेक करेंगे, स्क्रूटनी का मतलब किसी डेटा को चेक करना, जितना ज्यादा स्क्रूटनी करोगे चेक करोगे उस डेटा की एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी उतनी ही बरकरार रहेगी। कोई डेटा कितना एक्यूरेट है और कितना कंसिस्टेंट है वो डिपेंड करता है कि आपने उसकी स्क्रूटनी की है या नहीं की है। डेंसिटी का पॉपुलेशन इंडिया का बताओ, हर स्टेट का अपना डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होता है, दिल्ली का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत हाई है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले कितने लोग हैं, जहां की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है मतलब वो एरिया भीड़ भाड़ वाला इलाका है। मुंबई की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हाई है मतलब मुंबई में बहुत सारे लोग कम एरिया में रह रहे हैं, तो डेंसिटी का मतलब फॉर्मूला होता है एरिया डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, एरिया डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ठीक है। यहां तक तो था बेसिक आपका, बहुत बेसिक बेसिक सा कॉन्सेप्ट, लेकिन इधर से ही पेपर में क्वेश्चन आता है। मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, अब डेटा को प्रेजेंट कैसे किया जाता है, एक बार जल्दी से फास्ट ये देखते हैं, ये सारी चीजें देखने के बाद मैं एक बार स्टडी मटेरियल भी गो थ्रू करवाऊंगा। प्रेजेंटेशन, किसी भी डेटा को प्रेजेंटेशन का टोटल तीन तरीका है, किसी भी डेटा को प्रेजेंटेशन करने का टोटल तीन तरीका है, या तो आप टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन दो, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का मतलब देखो मान लो ऐसे A, B, C, D, E, F and G का प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 35, 40, 37, 40, 42, 26, 30 पर्टिकुलरली है, इसको बोलते हैं टेक्स्टुअल प्रेजेंटेशन, जहां पे टेक्स्ट में लिख दिया जाता है, सिंपल लिख दिया, देखो मैंने प्राइसेस ऑफ A, B, C, D, E, F, G आर 35 एंड 230 रिस्पेक्टिवली, तो ये टेक्स्टुअल प्रेजेंटेशन है जिसमें सिर्फ टेक्स्ट में लिख दिया जाता है बस और कुछ भी नहीं। दूसरा मेथड आता है टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन का मतलब ये देखो ए प्रोडक्ट का प्राइस कितना, बी प्रोडक्ट का प्राइस, सी प्रोडक्ट का प्राइस, डी प्रोडक्ट, ई, एफ, जी, इसको बोला जाता है टेबुलर, तो टेबुलर सबसे ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है ठीक है। यहाँ पे मैंने ये स्पीच देने के लिए नहीं रखा है, मोस्ट एक्यूरेट, सबसे बेस्ट मेथड, क्विकेस्ट मेथड, नॉन रिस्पॉन्सिव मेथड, ये सब पेपर में आता है इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। टेबुलर मेथड को सबसे बेस्ट मेथड बोला जाता है और सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड बोला जाता है। टेबुलर मेथड को सबसे बेस्ट मेथड क्योंकि क्लियरली पता चल रहा है किसका प्राइस क्या है, और सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड बोला जाता है। डायग्रामेटिक मेथड, डायग्राम में भी होता है, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम ठीक है, सुना होगा आपने ये सारे नाम, तो डायग्रामेटिक मेथड को अट्रैक्टिव मेथड बोला जाता है, ऑब्वियसली वो डायग्राम देखकर अट्रैक्टिव लगता है, देखो डायग्रामेटिक मेथड। अब जैसे ही बात आता है डायग्रामेटिक, डायग्रामेटिक मेथड कुछ हिडन ट्रेंड बताता है ठीक है, ये सब कीवर्ड्स हैं जो मैं बोल रहा हूँ, बार बार इसको सुनना। डायग्रामेटिक मेथड एक हिडन ट्रेंड बताता है, जब आप डायग्राम देखते हो ना, कम हुआ, ज्यादा हुआ, फिर बढ़ा, ये हिडन ट्रेंड बता रहा है जो आपको पता चल रहा है कि परफॉर्मेंस क्या था उस चीज का ठीक है। तो डायग्रामेटिक ट्रेंड, कौन सा प्रेजेंटेशन आपको हिडन ट्रेंड बताता है, क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो आप क्या बोलेंगे, डायग्रामेटिक। अब डायग्राम में बहुत सारे डायग्राम है, लाइन डायग्राम जिसको हिस्टोग्राम भी बोला जाता है, लाइन डायग्राम और हिस्टोग्राम, एक होता है बार डायग्राम, एक होता है पाई चार्ट। सबसे फर्स्ट देखो लाइन चार्ट कुछ ऐसा होता है, मान लो आपको किसी, ये ईयर लिखा है मैंने 2001, 2002, 2003, उस ईयर में प्रोडक्शन कितना हुआ वो यहाँ पे वाई एक्सिस पे लिखा है। लाइन चार्ट का मतलब बिल्कुल प्रेजेंट कर दो बस,
पहले बढ़ा, कम हुआ, कंसिस्टेंट रहा, बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर इधर आया, तो ये लाइन चार्ट है, ठीक है। यही अगर मैं आपको बार चार्ट बोलूं तो देखो बार चार्ट ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। ऑब्वियसली आपने कभी ना कभी देख ही रखा होगा, बार चार्ट कभी भी आपस में टच नहीं होता, बार चार्ट कभी भी आपस में टच नहीं होता। लेकिन यही अगर मैं बात करूं आपका हिस्टोग्राम का, तो देखो हिस्टोग्राम आपका टच होता है, सभी आपस में कनेक्टेड है, ये है हिस्टोग्राम। और ये जो हिस्टोग्राम का मिडल वाला एरिया है ना, इसी को बोला जाता है मोड। आपके पेपर में आएगा मोड किससे कैलकुलेट किया जाता है, तो मोड किससे कैलकुलेट किया जाता है, हिस्टोग्राम से कैलकुलेट किया जाता है। प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे क्योंकि अपने पास 6 to 8 marks का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। जो प्रैक्टिकल आएगा वो अभी बुक में एक बार देख भी लेंगे, छोटे क्वेश्चंस। हिस्टोग्राम से मोड भी कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, पाई चार्ट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जनरली पाई चार्ट पे दिखाया जाता है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब जनरली जब बड़े बड़े कंपनियों का डेटा देखोगे ना, वो पाई चार्ट में प्रेजेंट करते हैं कि हमारा इनकम, मान लो हमारी इनकम है, उसका कितना परसेंट, कितना डिग्री जा रहा है खर्चे में। तो पूरे पाई चार्ट का जो डिग्री होता है वो 360 डिग्री होता है। 360 को देखो इन्होंने अलग अलग हिस्सों में बांट रखा है। 108% तो हमारा ऑफिस में जाता है, उसमें से 72 डिग्री इलेक्ट्रिसिटी में जाता है, 101 रेंट में जाता है, सैलरी 43, एएमसी 36। तो पाई चार्ट में क्या है कि आपका पूरा का पूरा पैसा कहाँ जाता है। अच्छा, पाई चार्ट सर्कल है, और सर्कल का टोटल डिग्री कितना होता है आपने पढ़ा है, 360 डिग्री। तो ये 360 सबको टोटल करके होना चाहिए। पाई चार्ट पे जनरली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को दिखाया जाता है। तो बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम में मोड निकाला जाता है। अच्छा, एक और होता है जिसे बोला जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड ओजाइव भी देख लेते हैं इसमें। चलो मान लो एक क्लास इंटरवल दिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये जो सीरीज है इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। ये जो सीरीज है इसे बोला जाता है एक्सक्लूसिव सीरीज। कैसे, देखो ये सेम है, 0 to 10 है, 0 to 10। ध्यान से सुन लो, एक और नई चीज यहाँ पे बता रहा हूँ। एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होता है? एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब 0 to 10 अगर है तो 0 को काउंट किया जाएगा पर 10 को काउंट नहीं किया जाएगा। फिर यहाँ पे 10 को किया जाएगा बट 20 को नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब लोअर क्लास को काउंट किया जाएगा बट अपर क्लास को काउंट नहीं किया जाएगा। तो इसे बोला जाता है एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज में जनरली ये देखो, पहले की अपर और दूसरे की लोअर क्लास दोनों सेम होनी चाहिए। अच्छा चलो, अब आते हैं इस पे, लेस देन और मोर देन पे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लेस देन और मोर देन ध्यान से समझो, 0 to 10 दिया है, इसका फ्रीक्वेंसी 5 है, 10 to 20 7, 20 to 30 दे रखा है, 30 to 40, 40 to 50। तो सबसे फर्स्ट एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी। एक पहले लेस देन निकाल लो, एक मोर देन, ठीक है। लेस देन में क्या होता है, लेस देन तो 5, 5, 7, तो 5 + 7 = 12। जनरली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन ही होता है, 12 + 9 21, 21 + 8 29, 29 + 6 35। ये आ गया लेस देन। यही अगर मोर देन बोलो तो मोर देन, देखो लेस देन में ये बढ़ रहा होता है और मोर देन में ये कम हो रहा होता है। तो इसको कैसे निकालोगे, इसको यहां से स्टार्ट करो, मोर देन, क्योंकि मोर देन है। लॉजिक आप पेपर में कैसे याद रखोगे अगर जरूरत पड़ा तो, लेस देन है तो यहां से कम हो रहा है और मोर देन है तो यहां से बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट करो मोर देन में, मोर देन देखो 6 से स्टार्ट करो, 6 और 8 14, 14 और 9 23, 23 और 7 30, 30 और 35 35, ठीक है। तो पहले तो लेस देन और मोर देन कैलकुलेट कर लो। इस लेस देन और मोर देन का एक डायग्राम बनाओ, लेस देन और मोर देन, ठीक है। और लेस देन और मोर देन के बीच में जो होगा इसे ही बोलते हैं मीडियन, इसे बोलते हैं मीडियन, ठीक है। तो इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन किससे निकाला जाता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जहां पे लेस देन और मोर देन के ग्राफ के बीच जो आता है उसे मीडियन बोला जाता है। लेस देन भी आपको बता दिया, मोर देन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी बता दिया, ठीक है। मोर देन में आपको नीचे से स्टार्ट करना है, लेस देन में आपको ऊपर से स्टार्ट करना है। उसके बाद अब आ जाओ, आपने टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन पढ़ लिया, आपने ग्राफ पढ़ लिया, टेबुलेशन, टेबुलेशन को सबसे ज्यादा क्या बोला जाता था, सबसे बेस्ट मेथड। अब टेबुलेशन में भी अगर मैं बताऊं, एक बार मैटेरियल देखो,
देखो ये है टेबल आपका, ये है आपका टेबल। टेबुलेशन में आपको क्या क्या चीजें जाननी है, सबसे फर्स्ट यहां पे मैंने क्या लिखा है, जो अपर पार्ट ऑफ टेबल होता है, अपर पार्ट ऑफ टेबल जो डिनोट करता है आपके कॉलम को या तो सब कॉलम को, उसे कैप्शन बोला जाता है। तो अपर पार्ट ऑफ टेबल जो डिनोट करता है आपके कॉलम और सब कॉलम को, ये देखो अपर पार्ट ऑफ टेबल, ये आपका कॉलम को डिनोट कर रहा है और ये सब कॉलम को डिनोट कर रहा है। ये जो ऊपर वाला पूरा हिस्सा है, स्टेटस, मेंबर ऑफ टीयू, नॉन मेंबर, टोटल, ये सबका नाम दिया जाता है कैप्शन। इस सब का नाम दिया जाता है कैप्शन। तो अपर पार्ट ऑफ टेबल जो डिनोट करता है कॉलम और सब कॉलम को, उसे बोला जाता है कैप्शन। जो लेफ्ट पार्ट ऑफ टेबल है जो रो को डिनोट करता है, देखो जो लेफ्ट पार्ट ऑफ टेबल है, ये ईयर 2009, 2010, जो लेफ्ट पार्ट ऑफ टेबल है जो रो को डिनोट करता है, ये देखो ये पूरे को डिनोट कर रहा है, ये पूरे को डिनोट कर रहा है, इसे बोला जाता है स्टब, इसे बोला जाता है स्टब। तो पहला मैंने क्या बताया, जो अपर पार्ट ऑफ टेबल है जो डिनोट करता है किसको, कॉलम और सब कॉलम, उसे कैप्शन। जो लेफ्ट पार्ट ऑफ कॉलम है जो डिनोट करता है रोज को, उसे बोला जाता है स्टब। एंटायर अपर पार्ट ऑफ टेबल, एंटायर अपर पार्ट ऑफ टेबल पूरा का पूरा ऊपर का एरिया जिसमें यूनिट दिखाया जाता है कि ये पूरा का पूरा डेटा किसमें है, रुपीस में है, डॉलर में है, जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट को डिनोट करता है अगर टेबल में अगर ऐसा कुछ है, तो उसे बोलते हैं बॉक्स हेड, उसे क्या बोलते हैं बॉक्स हेड। उसके बाद जो सोर्स ऑफ डेटा है, ये डेटा आपने कलेक्ट कहां से किया है, ये डेटा आपने कलेक्ट कहां से किया है, वो लिखा जाता है फुट नोट में। देखो सबसे नीचे देखो यहाँ क्या लिखा गया है, सोर्स, जहां से आपने कलेक्ट किया, आपने ये गवर्नमेंट का डेटा यूज किया या किसका डेटा यूज किया है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फुट नोट, क्योंकि ये सबसे नीचे वाला एरिया है। तो सबसे फर्स्ट बताओ, जो अपर पार्ट ऑफ टेबल है जो आपके किसको कॉलम और सब कॉलम को डिनोट करता है, उसे कैप्शन बोलते हैं। जो लेफ्ट पार्ट ऑफ टेबल है जो रोज को डिनोट करता है, उसे स्टब बोलते हैं। ठीक है, जो आपका एंटायर अपर पार्ट है जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट को डिनोट करता है, उसे क्या बोलते हैं बॉक्स हेड। और जो सोर्स डेटा का है, सब कहां से आपने कलेक्ट किया, वो सबसे नीचे लिखा होता है फुट नोट में। तो मे बी आपके पेपर में टेबल आए और टेबल से पूछे ये डेटा क्या है। रेशियो चार्ट एक, अब जो बताने जा रहा हूं ये थोड़ी बहुत मिसलिनियस चीजें हैं जो कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है। रेशियो चार्ट जो होता है ना, रेशियो चार्ट लॉगरिदम का यूज करता है। एक रेशियो चार्ट बनाया जाता है, रेशियो चार्ट जनरली तब बनता है जब आप लॉगरिदम का यूज करते हैं। तो लॉगरिदम अगर आपके पेपर में पूछे लॉगरिदम कहां पे यूज करते हैं, तो लॉगरिदम रेशियो चार्ट में यूज करते हैं। लॉगरिदम इज इक्वल टू रेशियो चार्ट। अच्छा, मल्टीपल लाइन चार्ट क्या होता है, डेफिनेशन, मल्टीपल लाइन चार्ट। तो मल्टीपल लाइन चार्ट का मतलब, लाइन चार्ट तो आपने देख ही लिया था, लेकिन एक चार्ट में दो दो लाइन दिख रहा है, मतलब जहां पे टू और मोर टाइम सीरीज हो, दो या दो से ज्यादा टाइम सीरीज है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं, रिलेटेड टाइम सीरीज है, दोनों ग्राफ एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तभी तो एक ही ग्राफ में दोनों दिखाएंगे आप। तो जहां पे टू और मोर रिलेटेड टाइम सीरीज है, और जो वेरिएबल है, देखो व्हेन द वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट, और जो उसके वेरिएबल्स है वो सेम यूनिट में। 2011 में आपका पॉपुलेशन कितना था, एक तो पहला हो गया, उसमें मेल कितना था, फीमेल कितना था, अलग अलग वेरिएबल हो गया, लेकिन दोनों को नंबर्स में दिखाया जाता है, कितना नंबर ऑफ मेल, कितना नंबर ऑफ फीमेल। तो जहां पे टू और मोर रिलेटेड टाइम सीरीज हैं, और जो उसके टू और मोर रिलेटेड टाइम सीरीज और दोनों के वेरिएबल सेम यूनिट में दिखाए जा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं मल्टीपल लाइन चार्ट। उसे क्या बोलते हैं, मल्टीपल लाइन चार्ट। अच्छा, मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट क्या होता है, मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट, एक से ज्यादा एक्सिस लाइन चार्ट। तो जहां पे मोर देन वन टाइम सीरीज है, अभी आपने बोला अगर एक से ज्यादा टाइम सीरीज है और यूनिट ऑफ वेरिएबल सेम है तो मल्टीपल लाइन चार्ट होता है, लेकिन अगर आपके वेरिएबल डिफरेंट है, ठीक है, मोर देन वन टाइम सीरीज है बट यूनिट ऑफ वेरिएबल अगर डिफरेंट है, तो उसे बोलते हैं मल्टीपल लाइन एक्सिस चार्ट, मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट। ठीक है, बार डायग्राम, एक होता है हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, एक होता है वर्टिकल डायग्राम। ठीक है, वर्टिकल बार डायग्राम जनरली होता है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम होता है वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन के लिए होता है। ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा अगर यूज कर रहे हो आप, तो हॉरिजॉन्टल यूज करो। अगर आपका डेटा जगह जगह, क्योंकि वो क्वालिटेटिव है, तो अगर आपका डेटा जगह जगह के हिसाब से चेंज हो रहा है, जगह जगह के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो भी आप हॉरिजॉन्टल यूज करो।
तो आप अगर क्वालिटेटिव डेटा का यूज कर रहे हो या तो आपका डेटा टाइम टू टाइम स्पेस टू स्पेस चेंज होता है तो क्वालिटेटिव यूज करो, और अगर आपका क्वांटिटेटिव डेटा है तो वर्टिकल बार डायग्राम यूज करो, ठीक है। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अभी अभी आपको बता दिया, म्यूचुअली इंक्लूसिव देखो, ये 0 to 5 अपर क्लास और लोअर क्लास दोनों डिफरेंट है, अब लोअर भी काउंट होगा अपर भी काउंट होगा। तो जो म्यूचुअली इंक्लूसिव सीरीज होता है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उसका एग्जाम्पल आपको दे रखा है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल जहां पे यूज किया जा रहा है, जहां पे वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस है, 0 to 5, 5 to 10, 10 से ही स्टार्ट होगा, 10 to 15। बट अगर दोनों डिफरेंट है मतलब डिस्क्रीट सीरीज के केस में म्यूचुअली इंक्लूसिव यूज किया जाता है, ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज के केस में म्यूचुअली इंक्लूसिव यूज किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ क्लास बाउंड्री के बारे में चीजें सीख लो, ठीक है, जो पेपर में आ सकता है। मान लो एक क्वेश्चन आपको ऐसा डेटा दिया है, लेट्स से 0 टू 10 जैसे आप पढ़ते हैं वैसा ही 44 to 48, 49 to 53, 54, बताओ। ये 44 को बोला जाता है लोअर क्लास बाउंड्री और 48 को बोला जाता है अपर क्लास बाउंड्री, 49 को लोअर क्लास बाउंड्री, 53 को अपर क्लास बाउंड्री। लोअर क्लास बाउंड्री का मतलब लोअर क्लास क्या है बताओ, लोअर क्लास बाउंड्री का मतलब लोअर क्लास लिमिट माइनस डी बाय टू, ठीक है, ये लोअर क्लास बाउंड्री नहीं, सॉरी, लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट। 44, 49, 54 ये तीनों है लोअर क्लास लिमिट, 48, 53, 58 ये अपर क्लास लिमिट। लोअर क्लास बाउंड्री का फॉर्मूला क्या होगा, लोअर क्लास बाउंड्री इज इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट माइनस डिफरेंस डिवाइड बाय टू, माइनस डिफरेंस डिवाइड बाय टू। लेकिन अगर अपर की बात करूं तो वो अपर क्लास जो होगा लिमिट उसमें से प्लस करो डी डिवाइड बाय टू, तो एलसीबी इज इक्वल टू एलसीएल माइनस डी बाय टू और यूसीबी इज इक्वल टू यूसीएल प्लस डी बाय टू। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस किस चीज में, अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास, अपर क्लास और लोअर क्लास दोनों के लिमिट के बीच में डिफरेंस। ये देखो 44 48 चार आ गया डिफरेंस, 49 53 दोनों के बीच डिफरेंस कितना है चार का, 54 58 चार का, तो डिफरेंस इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट इज इक्वल टू डी। दोनों के बीच मिड पॉइंट कैसे निकलता है, तो सिंपल सी बात, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2 कर दो अगर, तो आपका आ जाएगा मिड पॉइंट। टोटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर आपके पेपर में आता है कि बताओ अगर लेस देन क्यूमुलेटिव और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों को जोड़ दे तो क्या आएगा, टोटल फ्रीक्वेंसी आएगा। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू सी एफ डिवाइड बाय सी एल, क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास लेंथ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी अगर आपके केस में प्रैक्टिकल फॉर्मूला भी आ गया तो आपको क्लास फ्रीक्वेंसी दिया होगा और क्लास लेंथ दिया होगा। क्लास लेंथ क्या होता है, जैसे अभी जो आ रहा था ना 4, 4, 4, 44 to 48 चार, तो दोनों के बीच जो लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट के बीच जो डिफरेंस होता है उसे ही क्लास लेंथ भी बोला जाता है। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास लेंथ। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच होता है, ये एक मिसलेनियस क्वेश्चन है, इसके डीप में नहीं जाएंगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 0 और 1 के बीच होता है। तो इतनी सारी थ्योरीज आपको आना चाहिए, कोई ज्यादा बहुत ज्यादा मैंने टॉपिक नहीं बताया, ये चैप्टर 1 आपको करने के लिए मोर देन एनफ है। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, अगर आपको देखो इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, पेपर अपना नजदीक है, जितना मैंने आपको कराया दैट विल बी मोर देन सफिशियंट फॉर योर एग्जाम। आप इस लेक्चर को कम से कम एक बार देखो और एक बार खुद पढ़ो, या तो दो बार कम से कम सुनो आप इसको, तब आपको चीजें याद होगी। एमसीक्यूज देखो, आ जाओ, ये जो थ्योरी वाले सेट ए में सारा थ्योरी का क्वेश्चन है वो आप खुद करते रहना। सेट बी की बात करता हूं मैं, आउट ऑफ 1000% कहता है, आउट ऑफ 1000% 25% वर्कर है, बाकी एग्रीकल्चर वर्कर है, 300% इंजॉयड वर्ल्ड कप मैच ऑन टीवी, 30% ऑफ पीपल हु हैज नॉट वॉच्ड द वर्ल्ड कप। ये देखो, इसका मैं आपको समरी निकालता हूं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। कहता है आउट ऑफ 1000% देखो टोटल 1000 लोग हैं, आप क्वेश्चन अपने सामने रख लो, 1000 लोग हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आउट ऑफ 1000% 25% इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, तो 250 लोग कौन से लोग हैं जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं,
एंड रेस्ट जो है वो एग्रीकल्चर वर्कर है। 300% इंजॉयड वर्ल्ड कप ऑन मैच ऑन टीवी, ठीक है, ये एक अलग सी बात दिए हुए है, एक अलग सी बात बोली गई जिसमें 300 वर्ल्ड कप मैच, 300 लोग, 1000 में 300 ऐसे लोग हैं जो टीवी देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं। 30% पीपल हु हैड नॉट वॉच्ड द वर्ल्ड कप मैच वर द इंडस्ट्रियल वर्कर। बचाओ, जो टीवी नहीं देख रहे, जो मैच नहीं देख रहे, इसमें से 30% लोग इंडस्ट्रियल वर्कर ही हैं। मतलब 210 लोग इंडस्ट्रियल वर्कर ऐसे हैं जो मैच नहीं देख रहे, मतलब 90 लोग मैच देख रहे हैं। कहने का मतलब 90 लोग मैच देख रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर। अब एग्रीकल्चर वर्कर का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एग्रीकल्चर आपके कितने हैं यहाँ पे, 750। अब बताओ 90 लोग यहां से मैच देख रहे हैं और टोटल कितने लोग मैच देख रहे थे, 300। तो 210 लोग यहाँ पे भी ऐसे हैं जो मैच देख रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर जो मैच देख रहे हैं, तो कितने लोग आपके बच गए यहाँ पे बताओ। तो 90 यहाँ पे देखो, ये 90 नहीं है, 210, तो 40 ही बचेगा ना, तो 40, 300 में से 40 लोग तो ये हो गए, तो 260 लोग यहाँ पे आपके ऐसे बच गए जो मैच देख रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट बताओगे, 260। तो बिल्कुल जनरल अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, ये कोई स्टेट्स का क्वेश्चन क्या ही बोलोगे। एक सैंपल स्टडी किया गया जिसमें टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन वर 40%, जो कहता है सैंपल स्टडी ऑफ पीपल ऑफ एन एरिया रिवील्ड दैट टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन वर 40% एंड परसेंटेज ऑफ कॉफी ड्रिंकर वर 45 एज होल एंड द परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर 20%। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अपने सामने रखो। तो ऐसे क्वेश्चन जो बुक में आपके ऐसे प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन थोड़े हैं वो आ सकते हैं पेपर में, ये नहीं बोलूंगा कि वो नहीं आएंगे। कहता है सैंपल स्टडी किया गया, टोटल नंबर ऑफ ह्यूमन वर 40% एंड परसेंटेज ऑफ कॉफी ड्रिंकर्स वर 45, ठीक है। सबसे फर्स्ट, अगर यहाँ का पॉपुलेशन 100 है तो इसमें 40% तो फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है। और उसके बाद कहता है इसमें से परसेंटेज ऑफ कॉफी ड्रिंकर्स वर 45, परसेंटेज ऑफ कॉफी ड्रिंकर इस 40% है, कॉफी ड्रिंकर जो इसमें है वो 45% है, ठीक है। 45% नहीं, 45 है, नंबर में दिया है। एंड द परसेंटेज ऑफ, अच्छा ये भी सॉरी, परसेंटेज एंड परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर वाज 20%। अच्छा मेल कितने हो गए, 60% इसमें से। मतलब टोटल अगर मैं एक चार्ट बनाऊं तो आपका कैसे बन गया, 40% यहाँ पे फीमेल है, 60% आपका मेल है। इसमें अगर दो पार्ट है, एक जो कॉफी वाले हैं और एक जो नॉन कॉफी वाले हैं, इसमें भी दो पार्ट हैं, कॉफी वाले नॉन कॉफी वाले। अब यहाँ पे देखो इसमें से 45% कॉफी वाले हैं, ठीक है, 45% 45 किसका, एज अ होल, 45% एज अ होल, ठीक है। एंड परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर वो 20% है, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर, तो परसेंटेज ऑफ फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर ये कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो मान लो अगर इसको मैं मान लेता हूं 1000, इसको मान लेता हूं 1000, तो ये आपका 400 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा कॉफी वाले में बताओ, 45% एज अ होल, मतलब 1000 का 45, तो ये आपका कितना हो गया, यही बोला गया था ना, कॉफी ड्रिंकर परसेंटेज ऑफ कॉफी ड्रिंकर्स वर 45, क्वेश्चन भी देख लो, वर 45 एज अ होल, ठीक है। तो ये 45 इसका नहीं होगा, एक बार कैलकुलेटर लो और कैलकुलेट करो, 400 1000, तो नॉन कॉफी ड्रिंकर कितना होगा, एक बार कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेट करो, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, बताओ कुछ हुआ। तो 100 का सिंपल सा पता है, इसका एक शॉर्टकट मेथड मैं आपको बता दे रहा हूं, ये रहा 100 का 40 40, अगर 45 इधर आ गया तो यहां पे कितना होगा, 65। तो 100 का 40% का 65%
ये आपका 18 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखो, कॉस्ट ऑफ सुगर इन ए मंथ अंडर द हेड ऑफ रॉ मटेरियल, बताओ कॉस्ट ऑफ सुगर दिया है किस किस हेड में। देख लो सुगर का कॉस्ट दिया है और टोटल कॉस्ट में क्या क्या दिया है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट दिया है, लेबर का कॉस्ट दिया है, और बताओ डायरेक्ट प्रोडक्शन का कॉस्ट दिया है और अदर्स का दिया है। चारों का सुगर मिलाकर कॉस्ट चारों चीजें आ जाती है, 12 दिया है, 20, 35, 23, इन चारों चीजों को जोड़ दो तो कॉस्ट ऑफ सुगर आ जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल एंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द सुगर, कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल फॉर द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंपोनेंट, बताओ। एक बार परसेंटेज निकालो यहाँ पे सबका। तो सबसे फर्स्ट आप क्या करो, यहाँ पे एंगल निकाल लो। एंगल कैसे निकालोगे मालूम है, जो भी दिया है सबका टोटल कर दो। अब इसका एंगल, क्योंकि ये क्या है एंगल में ही आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब क्वेश्चन आप देखोगे तो कह रहा है कॉस्ट ऑफ सुगर दिया है तो डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल, एक एंगल का बताओ टोटल कितना होता है 360 डिग्री। तो सबका एंगल कैसे, जैसे 12 पे कैसे निकाला है मैंने, 12 डिवाइड बाय 90 इंटू कर दो 360, ये डिग्री आ गया। इसका ऐसे ही 20 डिवाइड बाय 90 इंटू 360, 81 डिग्री आ गया। अब कहता है कि सबसे हाईएस्ट एंगल और सबसे लोएस्ट एंगल इन दोनों का डिफरेंस बता दो कितना होगा, तो दोनों का डिफरेंस कर लो 92 आ जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ एक्सीडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ एक्सीडेंट 7 दिन में एक लोकेलिटी में दिया है, 0वें दिन में, ठीक है, 0 दिन पे, 1 डे पे, दूसरे दिन पर। व्हाट इज द नंबर ऑफ केसेस व्हेन 3 और लेस एक्सीडेंट अकर, 3 और 3 या तो 3 से कम, ठीक है, बताओ नंबर ऑफ एक्सीडेंट। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ केसेस, क्या करोगे, 15 प्लस 19 प्लस 22 प्लस 31, सबको जोड़ दो चारों को। फॉलोइंग डेटा दिया हुआ है 86% का, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन, बताओ परसेंटेज क्या है पर्सन का जो 1500 से ज्यादा अर्न कर रहा है, 1500 से ज्यादा अर्न कर रहा है उसका परसेंटेज बताओ। परसेंटेज कैसे निकालोगे, पहले तो सबका टोटल करके यहाँ पे लिख लो, 15 प्लस 28 प्लस 36 प्लस 7 86। कह रहा है कि परसेंटेज बताओ जो पर्सन 1500 से ऊपर कमाता है, 1500 से ऊपर में ये वाले लोग आ गए, ये दोनों ग्रुप वाले लोग आ गए, तो इन दोनों को मिलाकर इनकम कितना है, 36 प्लस 7 कितना आ गया, 43। सिंपल कर दो, 43 डिवाइड बाय 86 इनटू 100, परसेंटेज ऐसे ही निकलता है, तो ये कितना हो गया 50%। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6, बिलो 20 बिलो 10 ये दे रखा है, ये भी आप कर लेना, ये सिंपल, ये 9-10 वाले क्वेश्चन है, इतने से कमाने वाले ज्यादा लोग कितने हैं। सेट नंबर सी देखो, सेट नंबर सी,